देखिए कल की जो घटना है वो बहुत स्पष्ट रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी ने कोई रेमडेसिविर की मांग नहीं की थी, हमने सरकार के लिए मांगा था। हमने जो मिनिस्टर है मिनिस्टर साहब को जाकर बताया था कि इस प्रकार से रेमडेसिविर मिल सकता है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं और हमको मिलेगा तो हम महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को देंगे और महानगर पालिका को देंगे। और इसीलिए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने पत्र भी इशू किया, उस पत्र में बीजेपी का नाम नहीं है। वो पत्र जो है वो पत्र आप देख सकते हैं, हमने वो कल दिखाया भी। लेकिन विरोधी पक्ष के कहने पर कैसे यहाँ पर रेमडेसिविर मिलता है, इसलिए उनको दोपहर में धमकी दी गई और शाम को उठाकर लेकर गए और कोई सीजर नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें बताई जा रही है। वहाँ पर हमारे पास तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, डीसीपी का हम उसको सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है। उन्होंने मान्य किया कि उनके पास से कोई सीजर नहीं है या उनके पास कोई इतना सा भी स्टॉक वहाँ पर मिला नहीं है। इतना स्पष्ट होने के बावजूद केवल उन्होंने जिस प्रकार से ये कल की कार्रवाई की है, मैं इस राजनीति की निंदा करता हूँ। और जहाँ तक हम चौकशी करेंगे वगैरह इसका सवाल है, उसको मैं डरता नहीं, महाराष्ट्र के हित में काम करता हूँ। 20 साल विपक्ष में काम किया है, 36 केसेस मेरे ऊपर लगी है, ये ऐसी फालतू चीज़ों से मुझे डराने की कोशिश नहीं करना किसी ने।